आधुनिकता के इस दौर में भी कुछ लोग अंधविश्वास के फेर में पड़कर ठगी के शिकार होने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी गड़े खसाने से तकदीर चमकाने के लिए आतुर ऐसे लोग लाखों रुपए गवा रहे हैं, लेकिन जब जमा पूंजी भी गवा बैठते हैं तब होश आता है। कुछ इसी तरह का वाकया छातापुर थाना क्षेत्र के मेहदीपुर वार्ड नंबर 13 निवासी मोहम्मद फजलुर रहमान के साथ शनिवार को सामने आया। भेद तब खुला जब फजलुर रहमान अपनी व्यथा लेकर स्थानीय थाने तक पहुंच गया और ठग गिरोह के दो लोगों को पुलिस ने कब्जे में लिया। ठगी के शिकार हुए मोहम्मद फजलुर रहमान ने बताया कि जब वे अपने नए घर का निर्माण कर रहे थे तो दुआ तावीज के लिए एक मौलाना को बुलाया था। जब कथित मौलाना पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप जिस जमीन पर घर बना रहे हैं उसके नीचे 3 घड़े में सोने चांदी का खजाना गड़ा है, मैं इसको निकाल सकता हूं, लेकिन इसके एवज में आपको 9,80,000 रुपए खर्च करने होंगे। पीड़ित फजलुर रहमान ने इतनी बड़ी रकम दे पाने में असमर्थता जाहिर की। होते हवाते बात 6 लाख पर तय हुई। इसके बाद वे बात बनती नहीं देख तथा कथित मौलाना ने आधे आधे पर तय किया, कहा कि 3 लाख आप दे दो और शेष 3 लाख मैं अपनी तरफ से लगाता हूँ, जो गड़ा घड़ा निकालने के बाद सोना बेचकर मैं ले लूंगा। इसके बाद फजलुर रहमान प्रलोभन के जाल में फंस गए और कथित मौलाना को जहाँ तहाँ से जुटा कर अलग अलग तारीख में 2,54,500 रुपए दे दिए। रुपए लेने के बाद कथित मौलाना ने जमीन में घड़ा दबाकर करामत भी दिखाया और अगले दिन आने की बात कहकर किसी को नहीं बताने की हिदायत देकर चले गए। इस बीच फोन पर कथित मौलाना का शेष रकम के लिए तकादा जारी रहा। करीब 1 महीने बीत जाने के बाद पीड़ित ने जब दबे घड़े का मुआयना किया तो उसे खुद को ठगे जाने का शक हुआ। उसके बाद वे किसी तरह से मौलाना के शेष रकम लेने के लिए मेहदीपुर आने के लिए राजी किया। पीड़ित जब मौलाना के आने को लेकर अस्वस्थ हो गया तो उसने स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी दी। अगले दिन जैसे ही दो कथित मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे तो ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही छातापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और ठगी का मामला मानते हुए ग्रामीणों के चंगुल से दोनों कथित मौलानाओं को कब्जे में ले लिया। हिरासत में लिए गए दोनों कथित मौलानाओं की पहचान अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर दक्षिण वार्ड 10 निवासी मोहम्मद सरफराज आलम और दूसरा खापदा रेवाड़ी निवासी बरकतुल्ला के रूप में हुई है। इस बाबत पूछने पर थानाध्यक्ष शिवशंकर कुमार ने बताया कि इस मामले में केस दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही जारी है। हिरासत में लिए गए दोनों व्यक्तियों पर थाने पर ही जमानत देकर मुक्त कर दिया गया है। आने के लिए लाए थे, उसके बाद ये बताया कि जो ठीक है हम डी बांध देंगे, लेकिन इसमें माल दबा हुआ है, आपको अगर चाहिए तो निकाल देते हैं और इतना खर्चा होगा और हमको जो उठा कर दोगे वही हम ले लेंगे। उसके बाद कैसा माल, खजाना हो जाना क्या? खजाना वो सोना चांदी जेवरात, ये आपके घर में 3 घैला है तो ये हम निकाल देंगे और जो आप हमको मजदूरी उठा करके दोगे वही हम ले लेंगे, उसी में हम खुश हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमको ये नहीं कहेंगे कि हमको इतना ही दो बांट के, ऐसा नहीं कहेंगे। फिर क्या हुआ? तो हम लाए तो ये बोला कि जे पहले बोला खुशबू के बारे में कि इतना लगेगा, लेकिन हम बोले दाम जब जोड़ा तो हम बोले नहीं, हमने हमारे बस का नहीं, हमको पैसा कितना दाम जोड़ा था? दाम जोड़ा था 9,80,045 रुपया। तो हम बोले हमारे बस का नहीं है। फिर क्या हुआ? तब ये बोला, उसमें से 2 आदमी छट गया, ये तीसरा आदमी आते रह गए। तीसरा बोला कि जब सब काम हम करते हैं अब उस साला को पैसा हम कैसे बांट कर दे देंगे, ऐसा कीजिए आप हमसे काम कराइए, हम काम कर देते हैं और हम जिन्नात से माफी तलाफी मांग के और 6 लाख में हम फाइनल किए हैं। अगर 6 लाख हम के लिए तो 6 लाख तो बहुत बड़ा रकम, हम लाएंगे कहाँ से? तो वो बोला कि जैसा कीजिए 3 आप दीजिए, 3 हम देते हैं और दोनों आदमी जो 3 हम लगाएंगे 3 लाख रुपया उसका हमें जो बनेगा वाजिब उतने ही हमको दे देना रकम, बाकी हो गया फाइनल। हाँ, इसी में बात हो गया था। कितना रुपया आपको दिया? उसको पैसा दिए 2,54,500। फिर क्या क्या निकाल दिया खजाना? उसके बाद 1 महीना वो नहीं आया। फिर पैसा देने के बाद क्या हुआ? पैसा देने के बाद वो आया, एक घैला एक दिन निकाल करके दिखा दिया और उसके बाद चला गया। घैला में सामान था, सोना चांदी? सामान उस टाइम तो दिखाया हमको दिखाई में आया कि है। हाँ।
फिर क्या गया, उसको बंद कर दिया, उसको बंद कर दिया, बोला खोलना मत, खोलोगे तो खतरा हो जाएगा तुम लोगों को, हम आएंगे तो फिर इसको पक्का अगर बंदी कर लेंगे उसके बाद हम क्लियर करके दे देंगे। हम फारबिसगंज में भी सोनार लेता है सोना, वहाँ हम बात किए हैं 52 लाख रुपया किलो लेता है, तो दोनों आदमी एक पाव लेकर के चले जाएंगे, आधा किलो एक पाव बहुत है, उसे पकड़ लेगा तो जाएंगे दोनों आदमी बेच करके कर्जा वाला का कर्जा दे देना। आज वो नहीं आ रहा था, वो 22 तारीख को आया था और 23 को आया था, उससे उसके बाद नहीं आया, तो ये पैसा मांग रहा है, और पैसा मांग, पैसा और मांग रहा है, तो ये हम बोले कितना, हाँ 11,000 रुपया आप जेब में रखना, मैं आ रहा हूँ और हम जैसे पहुंचेंगे 11,000 हमें मिल जाना चाहिए, हम आपका काम आज शाम तक पक्का कर देंगे। फिर पैसा लेने आया था, आपको फिर क्या शक हुआ जो ऐसा हुआ? तो शक ये हुआ कि एक दिन ये बोला था कि उसमें निकाल के रख दिया, हम बोले इसको कि जब सुबह में हम देख सकते हैं, तो बोला हाँ देख सकते हो, तो हम जब गए देखने के लिए तो उसमें कुछ भी नहीं था, घैलों था, आपको शक हो गया कि ठग रहा है? हाँ घैलों था, तब हमको उस दिन से शक हुआ, तो हम सोचे इसको तेल लगा लगा करके, तब कल ही आना था शाम को, लेकिन नहीं आया, आज आया, आज आया तो फिर पुलिस को सुना दिया, पुलिस को हम कल शाम को आवेदन दे के आए हैं, पहले आवेदन दिया जी कल शाम को, फिर पुलिस आई ले गए, क्या आदमी था ये तो दो थे लेकिन पुलिस तो वाले को पुलिस ले गया, हाँ भरा हुआ आए थे गाड़ी से, एक भागा जा रहा था, ये ठग आप, ये है खाबद और वहीं से के बगल में है हरिपुर, कौन सा जिला? अब जिला का अररिया पड़ता है कि क्या नाम क्या होगा? बरकतुल्ला। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फजलुर रहमान।